हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ मंजीत सिंह और इस समय मैं आपको आरसीसी स्टार्ट किया हुआ हूँ और आरसीसी में आज मैं आपको बताऊँगा कॉलम चैप्टर। कॉलम में इससे पहले मैं 5-6 वीडियो बना चुका हूँ इस कॉलम चैप्टर में, और आज का जो न्यूमेरिकल होगा हमारा वो स्पाइरल टाई बार जब दे दिया जाए तो कैसे आप आरसीसी कॉलम का स्ट्रेंथ निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब वहाँ पर इंडिपेंडेंट टाई बार दिया जाए तब आप स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे कॉलम का, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वहाँ इंडिपेंडेंट टाई बार के स्थान पर स्पाइरल टाई बार यूज कर दिया जाए तब आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी इस कॉलम चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन ये माना जाता है जब स्पाइरल टाई बार दे दिया जाता है। तो अब जब स्पाइरल टाई बार दे दिया जाता है तो वहाँ पर बात ये आती है कि क्या स्पाइरल बार यूज करने से कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ता है या नहीं, कभी बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता है। इसके लिए एक इक्वेशन बना हुआ है और वही इक्वेशन हमें चेक करना है। अगर वो इक्वेशन लागू होता है, सेटिस्फाइड करता है उसे, तब तो हम समझ जाएंगे कि स्पाइरल बार लगाने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अदरवाइज जो फॉर्मूला मैंने इंडिपेंडेंट टाई बार में यूज किया है वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉलम डाया 400 mm, जो कॉलम है उसका डाया कितना है 400 mm, तो जो वैल्यू गिवन है उसे चलिए लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू है आपका d इज इक्वल टू कितना दे दिया 400 mm, एसी 3927 mm², लेंथ l इज इक्वल टू 10 m, स्पाइरल टाई बार दिया गया है 8 mm डाया का दिया गया है और 50 mm का उसका पिच है। ठीक है, तो डाया ऑफ स्पाइरल बार 8 mm डाया एंड पिच दिया गया है 50 mm, M30 यूज किया गया है और M30 और Fe 415 यूज किया गया है। देखिए M30 ग्रेड के कंक्रीट के लिए जो सिग्मा सीसी का वैल्यू है वो IS कोड में आप देख के लिख लेंगे, सिग्मा सीसी का वैल्यू कितना होता है 8 होता है इसके लिए, और Fe 415 के लिए सिग्मा SC कितना होता है 190 Nm². फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम टेकन एंड एज फिक्स्ड, इसका जो एंड है वो क्या है, दोनों फिक्स्ड है, तो दोनों एंड जब फिक्स्ड होता है, जब बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं आप। इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला होता है 0.65 × L, 0.65 × L, L का वैल्यू है 10 m, सॉल्व करेंगे 6.5 m आ जाएगा आपका L इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यह कॉलम किस टाइप का है, लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है। जब तक हमें कॉलम ही नहीं पता होगा लॉन्ग है कि शॉर्ट है, तब तक हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे। जब किसी क्वेश्चन में ये ना दिया जाए कि शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है, तो उस क्वेश्चन में पहले चेक करना चाहिए। तो चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन का वैल्यू अगर हम 12 से कम होता है तो क्या कहेंगे, अगर 12 से कम होता है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम है, 12 या 12 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम है। तो चलिए पहले चेक करते हैं हम इसके लिए एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन निकालते हैं, LLD। एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना है देखिए, 6.5 × 10³ mm डिवाइड बाई LLD, लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो डाया ऑफ कॉलम होता है उसी को बोलते हैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 400 mm। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5 × 10³ डिवाइड बाई 400, तो 16.25 आ गया। अब देखिए 16.25 ये जो है आपका 12 से क्या है कम, 16.25 इज लेस देन 12। तो हम कह सकते हैं कि कॉलम कैसा है, दिस इज लॉन्ग कॉलम। अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे कैसा लगाएंगे, लॉन्ग कॉलम का लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या ये स्पाइरल बार यूज करने की वजह से
इसका स्ट्रेंथ 1.05 गुना बढ़ता है या नहीं, उसके लिए हम क्या क्या वैल्यू निकालेंगे आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। पूरा फॉर्मूला बिल्कुल बना हुआ है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता भी दिया है पहले से भी, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या है, क्या इक्वेशन है, पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं जिससे हमें चेक करना है कि स्पाइरल बार की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इक्वेशन है वी एस पी अपान वी के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0.36 ए जी अपान में ए के माइनस 1 इंटू एफ सी के अपान में एफ वाई। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तो हम कह सकते हैं कि स्पाइरल बार लगाने की वजह से कॉलम की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, कितना 1.05। उसी स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में 1.05 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो इंडिपेंडेंट टाई बार के लिए मैंने यूज किया हुआ था। तो वीएसपी, अब देखिए इसको हम यहाँ ज़्यादा सुने कि किसे क्या बोलते हैं, वीएसपी है आपका वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल टाई बार, वीके है आप वॉल्यूम ऑफ कोर, एजी है आपका ग्रॉस एरिया, एके है आपका एरिया ऑफ कोर, एफसीके और एफवाई आप लोग जानते हैं। तो 1 by 1 करके हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये तो मैंने चेक किया हुआ था यहाँ से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए एफसीके, एफसीके क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए M30 का वैल्यू दिया गया है, तो मैं आपको बता दूँ कि M30 के लिए एफसीके का वैल्यू कितना होता है, 30 होता है, और Fe 415 के लिए FY की वैल्यू 415 ही होता है। तो देखिए दो वैल्यू तो हमें पता चल गया, अब हमें चार वैल्यू और निकालना है, दो ये और दो, यही चारों वैल्यू आप ध्यान से समझेंगे, FCK FY आपका हो गया। अब हमें निकालना है AG, AG क्या होता है, ग्रॉस एरिया, कॉलम का पूरा एरिया, तो AG कैसे निकालेंगे, चलिए मैं नाम भी लिख देता हूँ, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, इसे क्या बोलते हैं AG, क्या फॉर्मूला, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पूरे कॉलम के एरिया जो निकाल लेंगे उसको क्या बोलते हैं AG, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 400 का स्क्वायर, आ गया आपका 125663.70 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रॉस एरिया AG हो गया, अब AK निकालते, AK क्या है, एरिया ऑफ कोर, तो एरिया ऑफ कोर निकालने से पहले आपको मालूम होना चाहिए डाया ऑफ कोर, तो पहले हम क्या निकालेंगे, डाया ऑफ कोर, इसको DK से डिनोट करते हैं, और DK का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डाया में से 2 इंटू कवर माइनस कर देते हैं प्लस 2 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार, ये फॉर्मूला होता है D माइनस 2 इंटू कवर प्लस 2 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार। कैपिटल डी 400 mm का दिया गया है, माइनस 2 इंटू कवर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो 40 mm मान लीजिए, प्लस 2 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार कितने का दिया गया, 8 mm का दिया गया है, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 माइनस 80 माइनस 16 सॉरी प्लस 16, तो ये आपका हो जाएगा 336 mm, 336 अब आपको DK मालूम हो गया, तो हम AK निकाल सकते हैं, AK कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कोर AK, इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 इंटू DK का स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू DK का, अब इसी में ASC माइनस कर देते हैं, ASC हम बार को नहीं लेके चलेंगे, पाई बाई 4 इंटू DK 336 का स्क्वायर माइनस ASC आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, देखिए 3927, सॉल्व कीजिए,
ये आ गया आपका 84741.31 mm². ठीक है, तो देखिए आपको ए जी भी मालूम हो गया, ए के भी मालूम हो गया, यानी चार वैल्यू हमें पता हो गया। अब हमें निकालना है वी एस पी और वी के, तो पहले वी के निकाल लेते हैं। वी के क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर पर 1 mm हाइट पे, 1 mm के हाइट पे हमें निकाल लेना है वी के। तो कैसे निकालेंगे, ए के एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना मैं ले लेता हूँ 1 mm। जब भी आप वी के निकालेंगे ना, तो पर मिलीमीटर की हाइट पर हम निकालते हैं, यानी हाइट कितना रखेंगे 1 mm इंटू ए के कर देंगे, तो वैल्यू आपका वही रह जाएगा। ध्यान देना आप, जो आपका ए के का वैल्यू है वही आपका वी के का वैल्यू होगा, ध्यान में रखेंगे हमेशा। ए के और वी के दोनों इक्वल हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोर जब हम निकालते हैं तो पर mm के हाइट पे निकालते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, और हाइट यहाँ पर 1 mm है आपका। अब आपको निकालना है वी एस पी, वॉल्यूम ऑफ स्पायरल बार। तो वॉल्यूम ऑफ स्पायरल बार निकालने से पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्पायरल बार। तो लेंथ ऑफ स्पायरल बार के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए, लेंथ ऑफ स्पायरल बार इसे हम बोलते हैं एल एस पी, एल से लेंथ होता है, एस पी से होता है स्पायरल बार, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट पाई डी के का स्क्वायर प्लस पिच का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एल एस पी, तो एल एस पी कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट पाई डी के, डी के का वैल्यू है 336 mm का स्क्वायर प्लस पिच 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया एल एस पी कितना हो जाएगा आपका, ये 1056 समथिंग आएगा, पाई का स्क्वायर इंटू 336 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, अंडर रूट आंसर। तो ये आ गया 1056.22 mm एल एस पी हो गया। अब हम निकाल सकते हैं वी एस पी, वी एस पी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल बार। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए वी एस पी निकालने का फॉर्मूला समझिए, पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पायरल बार का एरिया। अब देखिए हमें स्पायरल बार का वॉल्यूम निकालना है, तो स्पायरल बार का एरिया इंटू स्पायरल बार की लंबाई, तो स्पायरल बार का एरिया कितना है, पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है एल एस पी, लेकिन हम पी से डिवाइड कर देते हैं, पर पिच के लिए निकालते हैं वॉल्यूम, यानी एक पिच के लिए हमें निकालना है ये। तो ये जगह पाई बाई 4 इंटू 8 mm का स्क्वायर इंटू 1056.22 डिवाइड बाई 50। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका वी एस पी, वी एस पी हो जाएगा आपका 1056.22 पाई इंटू 8 mm का स्क्वायर इंटू 1056.22 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 50, 1061.82 mm की पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमें सब वैल्यू पता हो गया, अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के चेक कर लेंगे। रखिए क्या हो जाएगा, वी एस पी अपन वी के, वी एस पी 1061.82 डिवाइड बाई वी के, वी के का वैल्यू है आपका 84741.31 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0.36 एफ सी के अपान एफ वाई, या ए जी अपान ए के माइनस 1, ए जी, ए जी का वैल्यू कितना है 12563.7 अपान ए के, ए के का वैल्यू कितना है आपका 84741.31 माइनस 1 इंटू एफ सी के अपान एफ वाई 30/415। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, डिवाइड बाई 84
741.31, तो ये आ गया आपका 0.0125 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125663.7 डिवाइड बाई 84741.31 माइनस 1 इंटू 0.36 इंटू 30 डिवाइड बाई 415, यह आ गया 0.01256। देखा जाए तो लगभग दोनों इक्वल है, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा इसके, अब 0.0125 है, 0.0125 है, इस सामने एक डिजिट कम कर दो तो लगभग सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि स्पाइरल वायर का हम यहाँ पर स्ट्रेंथ वो हमें देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो क्या यूज करना है, स्पाइरल वायर के स्ट्रेंथ के लिए देखिए। अब जब लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम के लिए देखो क्या निकालते हैं, सी आर का वैल्यू हम निकालते हैं। सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी। ये लॉन्ग कॉलम के लिए निकालना पड़ता है, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव है आपका 6 मीटर, यानी 6.5 है, इंटू 10^3 अपॉन 48 इंटू बी, बी का वैल्यू 400 mm है। सी आर का वैल्यू हमेशा आप देखेंगे एक से कम आएगा, 6.5 इंटू 10^3 डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 400 माइनस 1, तो 0.66 आ गया आपका। अब हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, लिखता हूँ मैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ सी आर का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लॉन्ग कॉलम है, इंटू 1.05 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्पाइरल बार की वजह से स्ट्रेंथ 1.05 का हो रहा है, इंटू सिग्मा सी सी इंटू ए सी, तो ए सी के स्थान पे ए के लेते हैं, इंटू सिग्मा सी सी प्लस ए एस सी इंटू सिग्मा एस सी, ये फॉर्मूला होता है। अगर देखिए शॉर्ट कॉलम है तो सी आर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और स्पाइरल बार का स्ट्रेंथ नहीं आता है या इंडिपेंडेंट टाई बार यूज किया गया है तो 1.05 नहीं लिखेंगे। ये आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने पूरा डिस्कस करके सब कुछ बता दिया है, कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे सब वैल्यू रख लीजिए, आपको सी आर का वैल्यू 0.66 इंटू 1.05, एके का वैल्यू कितना है देखिए, एके का वैल्यू है आपका 84741.3 इंटू सिग्मा सी सी का वैल्यू 8 प्लस ए एस सी, एस सी का वैल्यू है 3927 इंटू सिग्मा एस सी 190। सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 84741.3 इंटू 8 प्लस 3927 इंटू 190 इंटू 1.05 इंटू 0.66, तो ये आपका आ गया 986 इंटू 10^3 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेंगे, चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट, जिससे मैं आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उस लेक्चर को देख सकें। फिर मैं मिलूंगा अभी इसी वीडियो में, इसी चैप्टर में मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ डिजाइन के क्वेश्चन है। वैसे ऑलरेडी मैंने 4-5 लेक्चर इसमें बना चुका हुआ हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेंगे, एक सीक्वेंस से देखेंगे अगर आप 1 बाय 1 करके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वैसे
अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलूंगा मैं अगले लेक्चर में आपको।